सीमा हैदर की बदली किस्मत, फिल्म में आने वाली है नजर, जानिए और क्या क्या ऑफर। पाकिस्तान की सीमा अवैध तरीके से पार करके आई सीमा हैदर के बारे में लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि आखिर सीमा के मामले में जांच एजेंसियां कहां तक पहुंची, आखिर सीमा हैदर यहीं रहेंगी या उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा। इन सब खबरों के बीच एक ऐसी खबर आई है जो आपके होश उड़ा सकती है। सीमा हैदर अब जल्द ही फिल्म में नजर आने वाली है। बता दें कि सरहदे पार करके पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर अब फिल्मों में हीरोइन बनने वाली हैं। अमेजानी के प्रोडक्शन हाउस फायरफॉक्स की टीम एक कैरेक्टर के लिए उनका ऑडिशन लेने उनके घर पहुंची। जानी फायरफॉक्स की टीम ने बुधवार को यूपी के ग्रेटर नोएडा में सीमा से मुलाकात की। डायरेक्टर जैन सिन्हा और भरत सिंह ने ए टेलर मर्डर स्टोरी नाम की फिल्म में एक भूमिका के लिए सीमा का ऑडिशन लिया। जानकारी के अनुसार सीमा हैदर भी फिल्म में काम करने के लिए काफी उत्साहित नजर आईं। इसको लेकर खुद सीमा हैदर ने अपनी फिल्म हसरत को जाहिर करते हुए कहा कि वह डांस करना भी जानती है और डांस करना उसको खूब पसंद भी है। हालांकि सीमा ने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा क्लीन चिट मिल जाने के बाद ही वो फिल्म में काम करना शुरू करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा हैदर जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही फिल्म में एक रॉक एजेंट में नजर आने वाली हैं। यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने जॉनी फायरफॉक्स के नाम से हाल ही में प्रोडक्शन हाउस बनाया है। बता दें कि इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया लाल साहू की स्टोरी दिखाई जाएगी और उन्हीं पर यह स्टोरी बेस्ड फिल्म है जो नवंबर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए अमित जानी ने सीमा हैदर को रोल ऑफर किया है। फिल्म के डायरेक्टर जैन सिन्हा और भारत सिंह ने बुधवार को सीमा हैदर और सचिन के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी सीमा हैदर को फिल्म में काम करने के लिए मुंबई भी बुलाया जाएगा, तो वहीं सीमा हैदर भी फिल्म में काम करने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। सीमा ने फिल्म में काम करने की हाँ भी भर दी है। हालांकि उन्होंने जांच एजेंसियों से जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक वो काम शुरू नहीं कर सकती। जाहिर है कि सीमा और सचिन की तंगी सामने आने के बाद गुजरात के एक कारोबारी ने उन्हें नौकरी का ऑफर दिया है। कारोबारी ने सचिन और सीमा को 50,000 रुपये सैलरी देने की बात कही है। साथ ही चिट्ठी में ये भी कहा है कि वो कभी भी गुजरात पहुंचकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल अब देखना है कि पहले तो जांच एजेंसियां सीमा के मामले में किस नतीजे पर पहुंचती हैं और दूसरा कब सीमा पर्दे पर उतरने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।